नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आप लोगों के साथ साझा करने का मन कर रहा है। आप सबको पता होगा कि अपने देश की आबादी लगभग 130-135 करोड़ है। ये भी बड़े गर्व की बात है कि दुनिया में हम जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर हैं चाइना के बाद। बड़ी मज़ेदार बात है दोस्तों, ये 135 करोड़ जनसंख्या, जानते हैं हम लोग कितने लोग हैं टैक्स पेयर? इसमें से टैक्स पेयर जिनके पैसे पर ये देश टिका हुआ है, जिनके सपोर्ट से ये देश खड़ा है, जो टैक्स पेयर इस देश का पिलर हैं, एक स्टडी के मुताबिक टोटल 1,46,00,000 लोग जो है वो 135 करोड़ में टैक्स देने वाले हैं। मोटा मोटी 1.5 करोड़ लोग, कहाँ जनसंख्या 135 करोड़ और कहाँ टैक्स देने वाले 1.5 करोड़ लोग। कोई बात नहीं है, यदि 1.5 करोड़ लोग इस 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश को सपोर्ट करके चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वो आपके देश का पिलर हैं, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, एक मजबूत कड़ी हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज जब इस पैंडेमिक की घड़ी में आपको पता है कि आपके देश में उचित मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अचानक से ये पैंडेमिक आया है, रिसर्च होने में टाइम लगा, ट्रायल हुआ उसका, फिर जाके मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ, कैपेसिटी उस हिसाब से बढ़ाने की ज़रूरत हुई, कोई तकलीफ नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, टाइम लगेगा ही इसमें। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जब ये 1.5 करोड़ टैक्स पेयर आपके देश का पिलर हैं, तो आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि भाई मैं ये 1.5 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीनेट करता हूँ, इन 1.5 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि ये तो देश का पिलर हैं, इनको तो काम पर जाना है, इनको तो परिवार चलाना है, इनको तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। तो यदि ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सारी अर्थव्यवस्था जो है डिस्टर्ब होगी। तो पहले इनको सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, ये ख्याल नहीं आया किसी को और ना कभी आएगा। आपको ये भी सोच के बैठना चाहिए था कि यदि आप ऐसा करते हैं, एक अलग सेगमेंट बना देते हैं जिसमें सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं, सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन होगा, वो लोग भी सम्मानित फील करते, उनको भी लगता कि वो सही में देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखकर कितने नए टैक्स पेयर जुड़ जाते इस कड़ी में, आपको अंदाज़ा नहीं है। एक प्राउड फील होता लोगों को कि उनको भी अलग नज़रिया से देखा जा रहा है। लेकिन अपनी सोच लिमिटेड है सब्सिडी बांटने पे, अपनी सोच लिमिटेड है फ्री का सामान बांटने में, लाइट फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, पानी फ्री करके वोट लूटो, और जिसका पैसा लूट रहे हो उसके बारे में सोचने का फुर्सत नहीं है। वो ना सोचे चलेगा, किंतु मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या कभी ये सवाल आपके मन में नहीं आता है? यदि आता है तो ज़रूर जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।